औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, अलग कोई भी हो,
तमाम के हकूक की पासदारी, अगर किसी के अंदर इस्लामी भाईचारा मौजूद है तो उसका मंजर देखने को मिलता है। इसकी मिसाल अगर सुनना चाहते हैं तो आइए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो हसीन पहलू उठाते हैं जिसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजरीन और अंसार जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए और मदीना के मुसलमान जिन्होंने इन मक्का के मुहाजरीन की मदद की जिन्हें अंसार का नाम दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुस्लिम भाईचारे का क़याम किया, वो मुसलमानों को आपस में ऐसा जोड़ा कि क़यामत तक कोई कौम ऐसी मिसाल पेशी नहीं कर सकती कि कोई इंसान कह रहा है कि मेरी बीवी जो खूबसूरत हो मैं उसको तलाक देता हूँ, आप उससे शादी कर लो, ये मेरी जायदाद है इसको दो हिस्से में बांट देता हूँ, आधी जायदाद पर आप अपना कारोबार शुरू करो, ये हमारे घर हैं इनको मैं आधे हिस्से में बांट देता हूँ, आओ आधे घर में तुम रहो मेरे मुसलमान भाई, तुम्हें हम भरपूर मौका देते हैं तरक्की का, समाज में आगे बढ़ने का, इज्जत कमाने का, अथवा इंसाफ के लिए जमीन को भरने के लिए मुसलमानों ने भाईचारा कायम किया। तो पता ये चला इस्लामी भाईचारा वो ऐसा जरिया है कि जिससे समाज के अंदर अमन शांति पैदा होती है, जिससे समाज के अंदर अथवा इंसाफ की बातें होती हैं। वही सहाबा जो इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, वही समाज जो गरीबों मिस्कीनों बेवाओं और अगर अलग तमाम लोगों पर एक किस्म की मुसीबत बना हुआ था, जहां पर औरतों के हकूक की पामालियां हुआ करती थी, जहां पर बच्चियों को कोई हक नहीं दिया जाता था, जहां पर कत्ल बारदगी इस कदर आम थी, लेकिन जब ही मुस्लिम भाईचारे का क़याम हुआ तो अदल इंसाफ ऐसा बेहतरीन अंदाज में समाज के अंदर रोनुमा हुआ कि दुनिया ने ऐसी मिसाल कभी तक ना देखी थी, ना सुनी थी, ना जिसका नजारा कभी किसी ने ख्वाबों में भी देखा था। मोहतरम भाई और दोस्तों बुजुर्गों, पता क्या चला कि इस्लामी भाईचारे का मफहूम बहुत वसी और बहुत ही जबरदस्त किसी भी समाज को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए। आज इंसान परेशान है समाज को कैसे अच्छा बनाया जाए, आज इंसान परेशान है कैसे लोगों को अच्छा और अच्छा बेहतर बनाया जाए, कैसे लोगों के हकूक की पासदारी की जाए, कैसे बच्चों को खूबसूरत और अच्छा बनाया जाए। अभी याद तरबियत औलाद पर हजरत मौलाना उदय सलफी साहब का खिताब सुन रहे थे कि बच्चों की तरबियत खूबसूरत कैसे हो जब बेहतरीन समाज नहीं होगा, बेहतरीन लोग नहीं होंगे, बेहतरीन अंदाज से लोग एक दूसरे को हकूक को समझने वाले नहीं होंगे तो अच्छा और बेहतर समाज कैसे मुमकिन हो सकता है। तो पता क्या चला कि इस्लामी भाईचारे का मफहूम इतना वसी है, इतना बेहतरीन है कि उसको तमाम लोगों को अपनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए थी। और मैं यहीं पर ये बात भी कहता चलूं कि हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत ने कहा था कि उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत पैदा करो, अगर हम शांति पैदा करना चाहे तो समाज के अंदर उस शख्सियत का नाम दुनिया के लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। मुस्लिम भाईचारे का इससे बड़ी बेहतर मिसाल हिंदुस्तानियों के लिए क्या हो सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी भाईचारे को एक ऐसी चीज बतलाई कि ये खानदानी तासबा, जाति दुश्मनियां, जात पात कस्बो नसब, खानदान कबीले, इन तमाम चीजों को इस्लाम और इस्लामी भाईचारा खत्म कर देता है। दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मसलुल मुमिनीना फी तवादुहुम व तराहुमुहुम व तआतुफुहुम मसलुल जसद इज़ इश्तका अदून तदा लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। एक मुसलमान, एक मुस्लिम समाज की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई एक इंसान हो उसके जिस्म के अंदर कोई हिस्सा तकलीफ महसूस करे, उसके जिस्म के अंदर कोई भी उज्व तकलीफ महसूस करे, पूरा बदन परेशान हो जाता है, पूरा बदन बुखार का शिकार हो जाता है, पूरा बदन तकलीफ में मुबतला हो जाता है, वही इस्लामी भाईचारा है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह से, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह से हैं। अब इससे हम और आप अंदाजा करें कि हमारा समाज आज किस जगह पर और किस मोड़ पर खड़ा हुआ है। क्या आज हम ये बात कह सकते हैं कि हम मुसलमान होने के नाते वाकई हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारे दिमाग में, हमारे समाज की और हमारे रस्म और रवाज के अंदर ऐसी बातें हैं कि जिससे हमें महसूस हो कि हम एक जिस्म की तरह से। तो ये इस्लामी भाईचारा जिसका मफहूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इससे जात पात और बिरादरियां खत्म होती हैं। आज देख लीजिए मुसलमानों के अंदर जात पात बिरादरियों की वजह से न शादियां हो रही हैं आराम से, न रिश्ते नाते लग रहे हैं आराम से, और यहां तक सुनने में आया कि अगर कुछ खास बिरादरी के लोग कुछ खास काम कर रहे हो तो दूसरे बिरादरी का इंसान वो काम भी नहीं कर सकता।
शहदेलीगढ़ के अंदर खबरें मिलती हैं कि ऐसे लोग मुसलमानों में मौजूद हैं कि मेरी बिरादरी ही का इंसान ये काम कर सकता है, किसी गैर बिरादरी का आदमी ये काम नहीं कर सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, जरा अंदाजा करो, सोचो कि ये इस्लाम इसीलिए आया था। ये इस्लाम तासुब का मजहब, ये इस्लाम लोगों के हकूक को पामाल करने वाला। और एक बात याद रखिए, कहने वाले कहते रहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार, तुम्हारी सीरत को दुनिया देखेगी, तुम्हारे मजहब को पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हमारे औरा के पास टाइम नहीं है कुरान पढ़ने के लिए, तो गैर मजहब का इंसान हमारा और आपका कुरान क्यों पढ़ने आए? हमारे और आपके घरों में यह कुरान यतीम बना हुआ है, हमारे और आपके घरों में यह कुरान मजलूम बना हुआ है। हम दुनिया वालों से कैसे ये गवारा करते हैं कि वो लोग हमारी किताबों को पढ़ के इस्लाम को चल जाएंगे? तो आज सोचिए, गौर करिए, फिक्र लाइए अपने दिमाग के अंदर कि आखिर ये जो इतराजात हो रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म के हमले अखलाकी एतबार से हो रहे हैं, इनका जवाब हमी लोगों को तैयार करना है। और तैयार कैसे होगा? हम और आप अपने अंदर तब्दीलियां लाए, हम और आप अपनी जिंदगी के लाए अमल को बदले, अपनी जिंदगी को अच्छे मोड़ पर लाए, तब जाकर के सही पैगाम लोगों तक पहुंच सकता है। ये है ईमान, इस्लाम और भाईचारे का मफहूम। इस्लामी भाईचारा क्या है? अल्लाह की तारीफ करता है, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के हकों की पासदारी करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, एक दूसरे को एक जिस्म की तरह से समझना, समाज को खूबसूरत और बेहतर बनाने का अहम और अजीम जरिया है। अगर इसको हमने खो दिया तो गोया कि समाज बेहतर नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, मेरे तकरीर का जो दूसरा पहलू है वह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो फजीलत है, कि इस्लामी भाईचारे की फजीलत क्या है, इसमें थोड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। इस्लामी भाईचारे की फजीलत क्या है, इस्लाम की सुनना चाहते हैं? अगर तैयार हो तो शुरू करें वरना खत्म करें। तो इस्लामी भाईचारा, इसकी फजीलत इस्लाम में क्या है, आइए बहुत मशहूर आयत करीमा सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वज़कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ बैना कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिमतिही इख्वाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम उस नेमत को याद करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस नेमत को याद करो जो रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर किया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। इज़ कुंतुम आदा, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे। فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, तो रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी, एक दूसरे के दुख दर्द के समझने की सलाहियत पैदा कर दी। فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, तो रब्बुल आलमीन की उस नेमत के जरिया से तुम आपस में भाई भाई बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इस्लामी भाईचारे को एक बहुत बड़ी नेमत से इस्तेमाल किया है कि इस्लामी भाईचारा, मुसलमानों का आपस में मिलना जुलना, मुसलमानों के आपसी हकूक का ख्याल करना। और याद रहे, मेरे इन बातों से ये मत समझिएगा कि इस्लाम मुसलमानों को आपस में मिलने की बात कहता है गोया कि काफिरों को मारने की बात कहता है, ये मत समझिएगा आप। अगर यहाँ पर जो बातें बयान हो रही है कि मुसलमान आपस में मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान आपस में मिले और गैरों को मारते चले जाए, नहीं, ये गलत माना मत समझिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये बहुत बड़ी नेमत है कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई हो कि नहीं। वो सहाबा, वो नबी के साथ ही जो कुछ दिनों पहले जानी दुश्मन हुआ करते थे, जो कुछ दिनों पहले मानों को लूट लिया करते थे, जो कुछ दिनों पहले इज्जतुल्लाह में उसकी कोई इज्जत नहीं समझते थे, जो कुछ दिनों पहले शराब जुआबाजी के अंदर इस कदर गर्क थे, वो सब भाई भाई हो गए। यहूदियों को, मुनाफिकीन को यही चीज तो सताती थी कि आखिर ये लोग कितने खतरनाक दुश्मन थे, ये जिगरी दोस्त कैसे बन गए। तो अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने इस्लाम के रस्सी में लोगों को जोड़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको भाई भाई बना दिया। और इन नमल मोमिनों ने हुआ कि तमाम मोमिन सब भाई हैं, ये रब्बुल आलमीन का अजीम शान पैगाम है।
मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, इस्लामी उख़ुवत और भाईचारे की फजीलत की दूसरी दलील आइए सुनते हैं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई इंसान किसी भी मुस्लिम भाई से मोहब्बत करता है, उससे दिल लगाए हुए है, दिल लगाना गलत मैयार ना समझिएगा, मोहब्बत करना, उसके हकों का ख्याल करना, उसके पास जाना, उसे हदायत देना, तोहफे तहाइफ देना, ये रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। कितना पसंद है आइए जरा दलील सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक एक आदमी अन्न रजुलन ज़ारा अखन लहू फी क़रियतिन उख़्रा, एक इंसान अपने भाई को देखने दूसरे गाँव में जाता है, दूसरी बस्ती में जाता है, दूसरे महल्ले में जाता है, दूसरी बिल्डिंग में जाता है, दूसरे एरिए में जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक एक आदमी अपने दोस्त से, अपने भाई से मिलने के लिए किसी जगह जाता है, किसी गांव, किसी दीहात, किसी करिया, किसी महल्ला, जवानपुर, हमदन नगर, मौलाना आजाद का एरिया, कहीं भी जाए मोहब्बत में मिलने, पासदारी के लिए मोहब्बत का लिहाज करते हुए मिलने जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के लिए एक फरिश्ता मुतय्यन कर देता है, जो फरिश्ता चौराहे पर खड़ा होकर के पूछता उस इंसान से कि फलम माता नहीं, जब वो फरिश्ता या जब वो इंसान उस फरिश्ते के पास आता है या वो फरिश्ता उस इंसान के पास आता है उस चौराहे पर, तो वो फरिश्ता पूछता है काना अयना तुरीद, ऐ अल्लाह के बंदे कहाँ का इरादा है, तू कहाँ जा रहा है, तेरी क्या मंशा है, तू किस तरफ जा रहा है, कहाँ रवा दवा है, क्या तेरा इरादा है, अयना तुरीद, इरादा कहाँ का है। वो इंसान जवाब देता है काला उरीद अखली फी हाज़िल क़रिया, कि मेरा एक भाई है इस बस्ती के अंदर, इस गांव के अंदर, इस महल्ले के अंदर, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। फिर फरिश्ता सवाल करता है हल लगा नहीं है मिलने मतिन तरबुहा, कि क्या तुम्हारा कोई उस पर सामान है या कोई लेन देन हुआ है जिससे तुम उसके पास जा रहे हो, उससे मिलने जा रहे हो, क्या तुमने कर्ज वर्ज लिया है या कोई भलाई तुमने उसके साथ की है जिसका तुम तकाजा करने जा रहे हो, जिसका तुम मुतालबा करने जा रहे हो। वो इंसान जवाब देता है अल्लाह नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैंने उसे कोई ऐसी चीज नहीं दी है जिसका तकाजा करने जा रहा हूँ, जिसे मांगने जा रहा हूँ। फिर वो इंसान जवाब देता है गैर अन्नी अहबबतुहु फिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, मैं उससे दोस्ती करता हूँ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, मैं उसका ख्याल करने जा रहा हूँ, उसकी खैरियत लेने जा रहा हूँ, उसके साथ मिलने बैठने जा रहा हूँ ताकि साथ में बैठकर एक दूसरे को स्ट्रेंथ मिल सके, ताकि साथ में बैठकर एक दूसरे का ईमान मजबूत हो सके, मैं इस मकसद के लिए उसके पास जा रहा हूँ। फरिश्ता जवाब देता है, फरिश्ता कहता है फइन्नी रसूलुल्लाहि इलैक, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ जो तेरे पास अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, रब्बुल आलमीन ने मुझे तेरे पास भेजा है, कद अहब्बका कमा अहबबतहु फी, और सुन ले बिअन्न अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तहकीक की तुझसे मोहब्बत करने लगा, क्यों, क्योंकि तूने अपने फला भाई से रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत की। मेरे भाइयों दोस्तों जरा गौर करो कि किसी मोहब्बत से मिलना गोया कि रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को दावत देना है। आज हम लोग अपने आमाल के हिसाब से, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हिसाब से रब्बुल आलमीन को मुस्तकर नाराज कर चुके हैं, रब्बुल आलमीन कितना ज्यादा नाराज हमारे और हमारे और आपके करतूतों के जरिए से है, हमारे और आपके अखलाकियात के जरिए से है। जरा अंदाजा करो कि सिर्फ मोहब्बत से मिलना, सिर्फ मोहब्बत से बातें करना, सिर्फ खैरियत लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे और हमसे मोहब्बत करने लगता है। इस हदीस से क्या पैगाम मिला, इस हदीस से हमने क्या जाना, आप लोगों ने क्या समझा, यही समझ में आई बात कि किसी भी भाई से मिलना, मुलाकात करना, उसके लिए वक्त निकालना कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ ही सेकंडों के लिए नहीं जा सकते हैं। जरा फोन ही पर हाल चाल ले लीजिए, अभी एक मस्जिद में जाने का मौका मिला, जोहराबाग के अंदर एक मस्जिद में जाने का मौका मिला, वहां पर लोग डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बड़े अफसोसनाक एक खबर मुझे महसूस हुई, दुनिया वाले उन्हें कुछ महसूस नहीं कि क्या बातें हो रही है, मौलाना क्या हंस कर रहे हैं। एक बात मुझे बहुत दिल की बात लगी, मेरे दिल को छलनी कर दी होगा, उस शख्स ने कहा मरने से पहले कि यह फला तू ही ऐसा शख्स है जो मेरी खैरियत पूछता है। वो इंसान मर गया, उसका आखिर खैरियत पूछने लोग नहीं पहुंच पाए, किसी से ज्यादा अफसोसनाक खबर क्या हो सकती है, क्या एक ही इंसान इस दुनिया के अंदर उसका दोस्त था, क्या एक ही इंसान उसके दर्द को समझता था, वो इंसान किडनी का मरीज था, वो इंसान पथरी का मरीज था, उसका खून खराब हो जाता था, कोई दुनिया के अंदर इस अलीगढ़ के अंदर कोई उसका साथी नहीं था, कोई उसकी खैरियत नहीं ले सकता था, इससे ज्यादा अफसोसनाक खबर मुसलमानों के अंदर और क्या हो सकती है मेरे भाइयों दोस्तों, कि हम
अपने मुसलमान भाइयों की हर खैरियत नहीं ले पाते, फोन पर दो मिनट एक मिनट बात नहीं कर सकते। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि जो मजहब इस्लाम से मोहब्बत से मिलने के लिए रब्बुल आलमीन की हिमायत देता हो, वो उसके मानने वाले इस कदर सख्त दिल हो जाए, इस कदर लोगों को भूल जाए, इस कदर उनके अंदर अपनी ही अपनी फिक्र नजर आए कि दूसरों के हकों की पासदारी ही ना रहे। इससे ज्यादा अफसोसनाक खबर मेरे ख्याल से कुछ और नहीं हो सकता। आइए और आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वालों के लिए और क्या फजीलत दी है। अभी तो ये फजीलत थी कि शहर वाले सिविल लाइन आ जाए, हमदर्द नगर वाले जमालपुर चले जाए, सर सैयद नगर वाले जमालपुर आ जाए, या कहीं नहीं जा पाए, सिर्फ फोन ही पर खबरियत ले लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इस मोहब्बत का बदला ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। आइए जरा आप सुने, इस दुनिया से जाने के बाद मैदान महशर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों के साथ क्या करेगा। जो बंदे अल्लाह के लिए, अल्लाह से मोहब्बत के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फेवर हासिल करने के लिए एक दूसरे का ख्याल करते हैं, आइए मैदान महशर में जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, उस खतरनाक और अज़ीमुश्शान दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों के लिए क्या 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 इंतजाम कर रखा है। आइए जरा हदीस के अल्फाज सुनते चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अल्लाह यकुल यौम अल क़ियामा अयना अल मुतहाबून बि जलाली अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल। अभी शेख मोहतरम की तकरीर में आपने सुना कि अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, और आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना साया देगा ऐसे बंदों को, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाएगा कयामत के दिन, अयनल मुतहाबून बि जलाली अल्यौम, कि वो लोग कहां हैं जो मेरी जलाल, मेरी अजमत या मेरे लिए दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो कहां है। आवाज देगा रब्बुल आलमीन, अयनल मुतहाबून, कहां है मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से, मेरी रजा के लिए, मुझसे मोहब्बत के लिए, मेरी फेवर, मेरा फेवर हासिल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नदा लगाएगा, आवाज लगेगी। जरा सोचो मेरे भाई और दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग मौजूद होंगे, हज़रत आदम से लेकर के कयामत की सुबह तक तमाम इंसान मौजूद होंगे, और वहां पर ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा, इससे बड़ी अजमत क्या हो। आज अगर मोदी जी किसी को बुला ले तो कितनी खुशी हो सकती है, अगर शहर अलीगढ़ का जफर आलम आपके मल्ले बुला ले कितनी खुशी हो जाती है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बुला ले कितनी खुशी हो जाती है, और यही नहीं अगर यहीं पर जितने लोग मौजूद हैं शेख साहब बुला ले तो कितनी खुशनसीबी होगी। मेरे भाई और दोस्तों, रब्बुल आलमीन शहंशाह का शहंशाह उस कयामत के दिन सबको बुलाएगा, ऐ मोहब्बत करने वालों आ जाओ, मेरे लिए मोहब्बत करने वालों आओ, मैं तुम्हें एक अज़ीमुश्शान चीज देने जा रहा हूं, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई कोई किसी किस्म की कोई आसानी हो ही नहीं सकती, साये रब्बुल जलाल के साये के, अल्लाह ताला कहेगा तुम तमाम के तमाम लोग मेरे साये में आ जाओ, उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल, मैं उन्हें ढांप लूंगा अपने साये में। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने साये में उन तमाम लोगों को ढांप लूंगा जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मेरी जात के लिए, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जिस दिन कोई और साया मेरे साये के नहीं होगा, मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जरा अंदाजा करो हमारी और आपकी दोस्ती किस लिए होती है, आज हमारा और आपका रिश्ता किस लिए होता है। अगर फला ने शादी में नहीं बुलाया, रिश्ता कब। अगर फला ने फला दावत में नहीं बुलाया, रिश्ता कब। अगर फला ने एडमिशन हो गया, हमको दावत नहीं दी, मिठाई नहीं खिलाया, रिश्ता कब। क्या इस्लाम यही चाहता है, क्या मुसलमानों का इस्लाम का पैगाम यही है कि मुसलमान आपसी रिश्ते नातों को ऐसे खत्म करें, ऐसे खत्म करें, ऐसे काट डाले। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा शादियां कर रहे हैं, नबी मोहतरम को नहीं पता कि सहाबी ने शादी कर ली है, लेकिन आज का मौका देख लीजिए कि अगर शादी के मौके पर फला साहब को नहीं बुलाया गया, रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो, तो क्या अल्लाह के लिए मोहब्बत, क्या अल्लाह के लिए दोस्ती है। आज हम लोग चंद पैसों पर अपनी दोस्तियों को बेचते हैं, आज हम लोग चंद रोटियों पर अपनी दोस्तियों को बेचते हैं, आज हम लोग
चंद चायों पर अपनी दोस्ती को बेचते हैं। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जरा संजीदगी से लो, संजीदगी से सोचो कि क्या हमने अल्लाह के लिए मोहब्बत किसी से की। अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे तो ये दुनिया की चंद रोटियां, ये दुनिया के चंद लुक में कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि आपके जहन में कयामत का मंजर होगा, वो खतरनाक दिन होगा जिस दिन रब्बुल आलमीन के अलावा कोई साया नहीं होगा, वो साया आपको नसीब होगा। अगर आपको पता हो, अगर आपकी अहमियत पता चल जाए, तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये दुनिया की तमाम चीजें, ये दुनिया की फरेबकारियां फौरन खत्म हो जाएंगी और इंसान दिल से एक दूसरे से मिलना शुरू कर देगा। कि नहीं हो, कितनी बड़ी फजीलत की बात है मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, बुजुर्गो, कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी बंदा अल्लाह के लिए दोस्ती करता है, जो भी बंदा अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का मतलब क्या है? इखलास हो, सच्चाई हो, दुनिया की कोई लालच ना हो, दुनिया की कोई तलब ना हो। आज बहुत सारे लोग दोस्ती करते हैं बहुत सारे मकासद पूरा करने के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हम लोग मिल करके ये मकसद बनाओ कि हमको आखिर में रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाबी हो। ये मकसद अगर बन गया तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए दोस्ती करता है, वो कयामत में किसके साथ होगा पता? किसके साथ होगा? आज हम लोग उम्मत मुहम्मदिया कितने जमाने से हमारे दरमियान नबी मुकर्रम नहीं है, 1400 साल से ज्यादा वक्त हो गया हमारे दरमियान नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। हम बगैर नबी की जिंदगी के, हम नबी की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको मौका दे रहा है, मुसलमानों तुम्हें हम किसके साथ रखेंगे? आइए जरा हदीस के अल्फाज सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिन इबादिल्लाह लमुनासन मा हुम अंबिया वला शुहदा यफ़्तुहुम अल-अंबिया वश्शुहदा यौम अल-क़ियामा بمكانهم بروح الله على غير غير رحم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں انسانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے نہیں، بلکہ اللہ رب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ انبیاء نہیں ہیں، جو کہ شہداء نہیں ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان لوگوں کو جو مقام اللہ تعالیٰ دے گا، جو عزت اللہ تعالیٰ دے گا، اس سے بہت خوش ہوں گے۔ یعنی اس امت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، حالانکہ وہ شہداء نہیں ہے، لیکن انبیاء اور شہداء سب خوش ہوں گے اس عزت و منزلت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن دے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، تخبرنا من ہوں، یہ ایسے لوگ کون ہوں جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اس کے باوجود انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں کے مقام مرتبے سے خوش ہوں گے، اے نبی محترم، وہ کون لوگ ہیں؟ ذرا ہمیں بتلائیں تو، وہ بتلائیں ہمیں وہ کون خوش نصیب شخصیات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ایسا مقام دے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہم قوم تحابوا برب اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہوں گے، جو آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہوں گے، الا غیر ارحام بینہم، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی مال کا لین دین ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، ان کے چہرے اس دن منور ہوں گے، ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ان کے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، اور یہی نہیں، وہ لوگ خود روشن شاہراہ پر ہوں گے، وہ سب وہ لوگ خود وہ نور پر چلیں گے، نور پر ہوں گے، لا یخافون الا خافنا، اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، حالانکہ لوگ گرے ہوئے ہوں گے، اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، حالانکہ لوگ گرے ہوئے ہوں گے، ولا يحزنون اذا حزن الناس، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا، حالانکہ لوگ غم میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ افراتفری کا شکار ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے اوپر اطمینان کا، سکون کا ایسے چادر بچھا دے گا کہ وہ سکون اطمینان میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت اللہ کے نبی ارشاد کرنے لگتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، الا ان اولیاء الله
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये लोगों सुन लो, अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे होते हैं, उन पर ना तो कोई खौफ होता है और ना कोई डर होता है। अल्लाह के नबी इस पारे करीब की आयत को तिलावत करने लगे। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये कितनी अजीम शान चीज है, इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इतना अजीम शान दिन नसीब फरमाएगा। आज हम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह के लिए क्यों नहीं कर रहे? आखिर हमारा समाज इस मोहब्बत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हमारा समाज इस्लामी तालीमात से जाहिल हो चुका है। उसे इस्लामी तालीमात पता ही नहीं है कि इस्लामी तालीमात क्या है, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए, एक दूसरे के साथ उठने बैठने के लिए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए आज यही वजह है कि हम और आप इस्लामी तालीमात से कोसों दूर नजर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमानी मोहब्बत, इस्लाम के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, इससे ईमान की मिठास मिलती है। एक मुसलमान को एक लज्जत महसूस होती है, एक एक मिठास महसूस होती है। आइए दलील सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आता लिल्लाह व मन आ लिल्लाह व हब्ब लिल्लाह व बगद लिल्लाह व अनकह लिल्लाह फकद इस्तकमल ईमानहु। कि जो इंसान अल्लाह के लिए अता करे, अल्लाह के लिए अता करे, लोगों को देख दिया करे, खैरात करे, खर्च करे, जो अल्लाह के लिए खर्च करे, जो अल्लाह के लिए मना करे चीज़ों से रोके, जो अल्लाह के लिए गलत चीज़ों से रोके या गलत चीज़ों को रोके, वह अब्बा लिल्लाह अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, वह बगद लिल्लाह अल्लाह के लिए बुग्ज करे, वान कहा लिल्लाह और निकाह अल्लाह के लिए करे। नौजवान ध्यान, नौजवान ध्यान दे, निकाह अल्लाह के लिए करे, यानी नौजवान है, जवानी का आलम है, उसे रब्बुल आलमीन के रस्ते से शैतान गाफिल कर देता है। दुनिया की फरेबकारियां, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की हसीनाएं, दुनिया की लज्जतें उसे इन तमाम चीजों से, नेक कामों से रोकती है। वो बंदा अल्लाह से डरता है, रब्बुल आलमीन से खौफ पाता है कि अल्लाह एक ही चीज ऐसी है जो मुझे मेरे ईमान को हिला करके रख देती है। वो डर जाता है, फौरन कोशिश करता है शादी करने की, फौरन शादी कर लेता है। वो पैगाम उस शख्स के जहन में मौजूद है कि फइन्नहु वक्तु लिल्बसर वअहसनु लिल्फरद, ये शादी निगाहों को छुपाती है, शर्मगाहों की हिफाजत करती है। तो जो शख्स अल्लाह के लिए ऐसा करेगा, निकाह अल्लाह के लिए करेगा, तो ये इंसान जान ले उसका ईमान मुकम्मल हो गया, उसका ईमान पूरा हो गया। यानी जिस शख्स के अंदर ये तमाम चीजें नहीं है, अल्लाह के लिए देना, अल्लाह के लिए मना करना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए बुग्ज करना, अल्लाह के लिए निकाह करना, अगर जिनके अंदर ये चीजें नहीं है, गोया कि उसका ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसे अपने ईमान की खैर बनानी चाहिए, उसे अपने अपने ईमान को मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक और हदीस के अंदर कि तीन चीजें जिसके अंदर होंगी वो ईमान की मिठास और लज्जत पाएगा। आज मुसलमान है कुछ मजा ही नहीं आता, लगता ही नहीं कि मुसलमान, कुछ लज्जत नहीं, बस काम के लिए आते हैं, नमाज पढ़ के भागते, कोई लज्जत महसूस नहीं होती, दीनी काम करते हैं कोई मजा ही नहीं आता। वजह क्या है? क्योंकि हमने हकीकत में ईमान की पासदारी की ही नहीं। अल्लाह के नबी शाद फरमाते हैं कि जिनके अंदर तीन चीजें होंगी वो ईमान की मिठास पाएगा, वो ईमान की मिठास, चाशनी, लज्जत महसूस करेगा। अल्लाह के नबी शाद फरमाते हैं अन यकुन अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो कि दुनिया की तमाम मोहब्बतें कुर्बान। आज हम और आप अंदाजा अपने अपने ईमान का जायजा लें कि क्या आज हम बैठ करके ये कह सकते हैं कि अल्लाह उसके रसूल से हमारी मोहब्बत इस कदर है कि दुनिया की तमाम मोहब्बतें खत्म। नमाज नहीं पढ़ते, घूमने चले गए मार्केट, हमारी माँ और बहन बाजारों में घुसती है तो तीन तीन चार चार घंटे नहीं निकलते, कितने नमाज का उससे जाया होते, हम लोग फजर की नमाज छोड़ देते हैं, हम लोग नबी की कोई हदीस मिलती है हमारा जहन और दिमाग उसे अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। तो पता क्या चला
कि हमारी और आपकी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से उस दर्जे की नहीं रही। अगर उस दर्जे की होती तो समाज के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई है, जो हम लोग बुराइयों में शराबोर हैं, ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिस इंसान के नजदीक अल्लाह उसके रसूल इतने ज्यादा महबूब हों कि दुनिया की तमाम मोहब्बतें खत्म हो। एक चीज, दूसरी चीज, इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करे लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए, यानी इस्लामी भाईचारा, इस्लामी भाईचारा, इस्लामी भाईचारा यहिब्बुल मरा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की वजह से वो किसी इंसान से मोहब्बत। तीसरी चीज कि वो कुफ्र में जाना ऐसे ही नापसंद करे जैसे आग में जाना। ये तीन चीजें जिसके अंदर होंगी उसे ईमान की मिठास मिलेगी, उसी को मजा आएगा। लेकिन मसला ये है कि जब हम अल्लाह के रसूल से ज़बानी मोहब्बत करते हैं तो क्या खाक मजा आएगा हमको नमाज पढ़ते हुए? क्या खाक मजा आएगा सुन्नती शादी करते हुए? क्या बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं शादी को, अरे छुआरे वाली शादी, हकीर समझने के लिए छुआरे वाली शादी, तो ऐसे लोगों को मजा नहीं आता। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें फख्र महसूस होता है कि रब्बुल आलमीन ने इस पुरफतन दौर में मुझको चुना कि मैं शादी कर सकूं। कुछ लोग हैं दाढ़ी रखने की बात आती है, अरे मौलाना दाढ़ी दाढ़ी रख लियो शेख चिल्ली की तरह, हैं ये दाढ़ी शेख चिल्ली की तरह, ये मुसलमान कहां से मजा आए? नबी की सुन्नतों से, नबी के अहकाम से, नबी की तालीमात से मोहब्बत रही नहीं गई, ईमान का मजा कहां से रह गई? रस्म अदा रूहे बिलाली ना रह गई, रस्म अदा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रख गया तलकीन जदाली ना रही, सिर्फ रस्म रह गई, सिर्फ रस्म रह गई मेरे भाइयों दोस्तों। ये हकीकत में हम लोगों को एक कड़वा घूट पीना होगा कि हमारे अंदर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत खत्म हो चुकी है, सिर्फ रस्म ही रह गई। चलो नमाज पढ़ लो, जुमा की नमाज मुसलमान है, टोपी लगा लो मुसलमान है, अफसोस की हम भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान। मेरे भाई और दोस्तों ये अफसोसनाक और ये खतरनाक जहर हम और आप पी रहे हैं और फिर भी हम ख्वाबे गफलत में सोए हुए, कौन जगाएगा? क्या कोई तूफान आएगी क्या मुसलमान उठ जाओ? क्या कोई फरिश्ता नाज़िल होगा ए मुसलमानों कहां जा रहे हो? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा कोई ईमान वाला आएगा और पूरे समाज के अंदर हवा चला देगा सब लोग सही हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई और दोस्तों, हमें अपने और आपके दिलों के अंदर ये तब्दीली लानी होगी, ये एहसास पैदा करना होगा, हमें खुद सोचना होगा, तभी जा करके हम लोग अल्लाह उसके रसूल से, दीनी तालीमात से, शरीयत की चीजों से, अल्लाह के फरामीन से, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान वो मोमिन हो ही नहीं सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सिह, कि इंसान वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। जब तक किसी इंसान के अंदर यह सलाहियत नहीं पैदा हो जाती कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे, वो मोमिन नहीं हो सकता। आज देख लीजिए, कोई खूबसूरत जगह मिल जाए, कोई फ्लैट मिल रहा हो, हमारा कोई भाई खरीदना चाहता हो, दूसरा भाई चला जाता है कि ये भाई ना खरीद पाए, कोई तीसरा किराए पे लगा देता, कोई चौथा किराए पे लगा देता, कोई दुकान, उस दुकान में कोई मुसलमान भाई अपना थपरा सामान बेचना चाहता है, हम चले गए अपने घराने को लाना चाहते, अपने हस्बैंड सब को लाना चाहते, पता चला 20 लाख का फ्लैट था, आपको पता चल गया, आपने जाकर के रोड़ा डाल दिया, मैं 25 लाख का खरीदूंगा, अरे ये खरीदने नहीं आए, उस इंसान को परेशान कर। मेरे भाई और दोस्तों, ईमान कहां हमारा और आपका? ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हें से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने लिए जो पसंद करे वही अपने भाई के लिए ना पसंद। आगे बढ़ते हैं, ईमानी उख़ुव्वत बस खत्म करता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया मेरे का, रोज ज्यादा हो जाएगा तो फिर हजम नहीं होगा, तो मैं मुख्तसरन खत्म करने वाला हूँ। बहुत और शायद मौजूद है इंशाल्लाह, उनके सवाल जवाब का सिलसिला भी आप लोगों के सामने होगा। तो आइए आखिरी पड़ाव पर हम लोग कुछ बातें करते हैं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ कि ईमानी उख़ुव्वत का और हुकूक और भाईचारे के फराइज क्या है।
सबसे पहली चीज, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, वाकई सुन रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने अपने अंदर जायजा लें और देखें कि मेरा रिश्ता फला साथी के साथ कैसा है। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम अपने ताल्लुकात लोगों से किस लिए किए हुए हैं। फला से दोस्ती की ऐसा तो नहीं किसी मफाद के लिए है, कि ऐसा तो नहीं कोई ज़ाती फायदे के लिए है। उन तमाम मफादात को खत्म कर दो मेरे भाई और दोस्तों। जब अल्लाह के लिए आप मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला दुनिया के हिसाब से आपके रास्ते खुद बनाना शुरू कर देगा कि नहीं। अगर आप किसी से मोहब्बत करेंगे, अगर आप किसी के साथ उठे बैठेंगे, अगर कोई आपको जरूरत पड़ जाएगी तो आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, वो काम सब बहुत हो जाया करेगा। तो सबसे पहली चीज, अपना अपना हम लोग जायजा लें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते चले कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब तक जिंदा रहो इस्लामी भाईचारा अपने अंदर रखे रहो। अगर इस्लामी भाईचारा नहीं है, एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझ रहे, तो गोया कि हमारा और आपका ईमान सही नहीं है। ये आखिरी घड़ी तक हमको ये इस्लामी भाईचारे को कायम दायम रखना है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ला तदखुलूल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो ईमान ना ले आए, और कोई ईमान ला ही नहीं सकता जब तक वो एक दूसरे से मोहब्बत करने ना आए। कितनी अजीम मुस्तान रब्बुल आलमीन की हबीब ने बात कही, कितनी बड़ी बात कही। आज जन्नत के ठेकेदार हम लोग बन गए, दूसरों के हकूक को पामाल कर, दूसरों की इज्जतों को पामाल कर, दूसरों के हकूक की कोई पासदारी नहीं रह गई और हम जन्नत के ठेकेदार बने गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ला तदखुलू मिन जन्नत, जन्नत में तुम दाखिल हो ही नहीं सकते यहां तक कि तुम मोमिन हो जाओ, और तुम मोमिन हो ही नहीं सकते यहां तक कि एक दूसरे से क्या करने लगे, नफरत, अदावत, दुश्मनी, यही तो होगा एक दूसरे से मोहब्बत। मेरे भाई और दोस्तों, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास से गुजरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स और बैठे हुए थे। वो शख्स आए और कहा अल्लाह के रसूल मैं फला से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए, मैं फला से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुमने उससे बतलाया है कि तू अल्लाह से मोहब्बत करता, तू उससे मोहब्बत करता है अल्लाह के वास्ते? कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा खड़ा हो, कौन खड़े हो जाओ और खबर दो इसको कि मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। यानी अगर मोहब्बत करते हो इसे बतलाओ लोगों को ताकि लगे, तब तो महसूस होगा कि वाकई कोई मेरे दुख दर्द को समझने वाला है, कोई ऐसा इंसान है जो मेरे गमों को समझ सकता है, जो मेरी तकलीफों को समझ सकता है, मेरे हालात को समझ सकता है, मेरे हालात का मुदावा पैदा कर सकता है। मेरे भाई और दोस्तों याद रखो एक और बात सुनते चलो, आज हो रही है इसकी वजह ये भी है कि लोग इतना ज्यादा टेंशन के शिकार हो जाते हैं, कोई उनके दुख दर्द को समझने वाला नहीं होता, गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, कर्ज भी दबे होते हैं, कोई उनका उनकी आंसुओं को पोछने वाला नहीं होता, इसलिए मजबूर होकर के आखिरी कदम उठा डालते हैं और खुदकुशी कर डालते हैं। खुदकुशी करने के ये तमाम वाकया यही से रुनमा होते हैं कि उसका कोई इंतजार नहीं होता, उसका कोई ख्याल करने वाला नहीं होता, कोई उसकी पासदारी करने वाला नहीं होता। क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि समाज के अंदर खुदकुशी के रेशियो को रोका जाए? आज हुकूमत परेशान है, महाराष्ट्र के अंदर दिन ब दिन खुदकुशियां होती जा रही हैं, इस बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, स्टूडेंट खुदकुशी कर रहे हैं, बाप खुदकुशी कर रहा है, पूरे खानदान के साथ ट्रेन के नीचे आ जा रहा है। ये तमाम वाकया तो रोनमा हो रहा है, क्यों? यही वजह है कि आपसी मोहब्बत नहीं रहेगी, एक दूसरे का ख्याल नहीं रहेगा। आज इंसान क्या हो चुका है, अपने फायदे के लिए सामने वाले को चूस डालो, सामने वाले को खा डालो, अपना फायदा बस, ये आलम मेरे भाई बोलते हो, समाज का ये आलम। तो समाज के अंदर अगर सुधार लानी है, अगर इस रेशियो को रोकना है, खुदकुशी जैसे खतरनाक जराइम को, तो ये चीजें मुमकिन होंगी किससे? मोहब्बत से, दोस्ती से, गमगिसारी से, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ करके आगे बढ़ते हैं। तो वो हदीस का अल्फाज में बदला रहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा खड़े हो जाओ और कहो उससे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो अल्लाह, तुम उससे मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए। फकाम, वो खड़ा हो गया और उसने ये बात कही। फकाल, तो शख्स ने भी ये बात कही कि इन्नी उहिब्बु, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो। ये रवायत भी सही है।
और आगे बढ़ते हैं। बस मुख्तसरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन चीजें ऐसी हैं कि जिससे मोहब्बत बढ़ती है, जिससे समाज खूबसूरत बनता है। तीन चीजें ऐसी जिससे समाज बेहतरीन बनता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उनमें सबसे पहली चीज, जब एक दूसरे से मिलो तो सलाम करो, एक दूसरे से मिलो तो सलाम करो। आज सलाम करना ये स्टेटस की पहचान बन चुका है। मैं अमीर हूं मुझसे गरीब सलाम करेगा, मैं बड़ा हूं मुझसे छोटा सलाम करेगा, मैं कार पर सवार हूं मुझसे पैदल सलाम करेगा। ये स्टेटस मुसलमानों का बन चुका है। मैं रुतबे में बड़ा हूं, मैं कैसे सलाम कर सकता हूं किसी से? अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, ये किब्र गुरूर खत्म कर दो, सब पासदार बन जाओ। पहल करो सलाम करने के अंदर, जो पहले सलाम करेगा उसे ज्यादा देखे मिले। अल्लाह के नबी ने एक नुस्खा भी बतला दिया कि जो सवार हो पैदल को सलाम करे, पैदल बैठे रहे वो सलाम करे, कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम करे। या अल्लाह के नबी ने कोई ये बात नहीं कही कि अमीर हो तो गरीब को सलाम करे या गरीब हो तो अमीर को सलाम करे। नहीं, जो इंसान अच्छी चीजों में पहल करे उसका रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऊंचा ही ऊंचा होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा जब भी मिलो तो सलाम करो। अब बहुत सारे मुसलमानों का हुलिया ऐसा है कि कैसे जाने कि मुसलमान है। ये मैं तंज कर रहा हूं, इसको अच्छे माने में लीजिए। तो ऐसा ऐसी पहचान भी बनाइए कि लोगों को लगे कि ये मुसलमान है, सलाम करते हुए डरे ना कि किसको मैं सलाम कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर ये बात कही है कुरान करीम के अंदर सूरह हामिम सजदा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो और नेक अमल करता हो और ये भी कहता हो कि मैं मुसलमान हूं, ये भी कहता हो कि मैं मुसलमान हूं। तो मुसलमानों की जो जाहिरी पहचान है उस पहचान को अल्लाह के वास्ते बचाइए। तो सलाम आपस में एक दूसरे से करिए। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब मजलिस में बैठे रहो और कोई भाई आ जाए तो उसके लिए जगह बनाओ। ये नहीं कि जगह नहीं है, पैर फैला के बैठ गए, बैठने के देंगे? कितने लोग होते हैं ऐसे कि इतना ज्यादा झूठ फैला लेते हैं कि बैठने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत आम करो, मजलिस में जगह बनाओ। तीसरी बात, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों को उनके महबूब और पसंदीदा नामों से पुकारो। आज किस किस नाम से पुकारा जाता है? मुल्ला जी जा रहा है, कारिया जा रहा है, कड़वा जा रहा है, ये कलुआ जा रहा है, ये बिहवा जा रहा है, फकीरवा जा रहा है, अरे भिकम्मा जा रहा है। अल्लाह मुसलमान, ये मुसलमानों के अल्लाह के नबी कहते हैं। मेरे भाई दोस्तों, नबी से मोहब्बत कहां गई? जबानी दाव, जबानी दाव है। काफिरों को दिखलाने के लिए बड़ा जज्बा है नबी से मोहब्बत। नबी जो पैगाम दे उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं लोगों को उनके पसंदीदा नामों से पुकारो जिससे वो खुश होते हैं, जिससे जिससे उनको खुशी होती है, तो इससे मोहब्बत बढ़ता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ला तहकिरन मिनल मारूफ शैया, किसी भी भलाई को कभी भी हकीर मत समझना, किसी भी भलाई को कभी भी हकीर मत समझना, यहां तक कि अगर किसी भाई से मिलना हो तो मुस्कुरा करके अल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी भलाई को कभी हकीर ना समझना, यहां तक कि किसी से मिलना हो तो मुस्कुरा करके मिलना। ये भलाइयां ही हमें और आपको अल्लाह की कामयाबी से हम किनार कर सकती है। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सलाम को खूब आम करो, खूब सलाम लोगों से करो। इसके अलावा अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सदका और खैरात खूब किया करो। कोई परेशान हाल है, कोई दुखिया है आपके महल्ले का, आपकी बिल्डिंग का, आपके घर के बगल का, आपके घर के अंदर अगर कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को दूर करने की फिर फौर कोशिश करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं माना कसद सदका तुम बिमाल, ये सदका करने से माल में कमी नहीं होती, सदका करने से माल में कमी नहीं होती। और एक वाकया अभी फेसबुक पर आया था, मैंने गलत पिछले दर्श में बतलाया था, यही बतलाया था कि एक इंसान था, नौजवान था, वो बहुत परेशान रहता था, उसकी तनख्वाह कम पड़ जाती थी, वो घर चला नहीं पा रहा था, हर महीने कर्ज पे कर्ज उसके ऊपर आ रहे थे। ये सही
करीब आ गया, परेशान हो गया, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही हालत में इंसान खुदकुशी करता है। अपने दोस्तों की महफिल में गया, एक दोस्त बड़ा संजीदा था, उससे अपनी हालत को बयान किया। ऐसे माहौल क्रिएट करो, ऐसे माहौल बनाओ कि लोग अपने जज्बात को आपसे अगर कहें। वो इंसान समझदार था, वो दोस्त समझदार था, उसने कहा है दोस्त सुन, अपनी तनख्वाह को हिस्सों में बांटो और एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका करो, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका करो। वो इंसान खुद कहता है कि सदका करने के बाद लगातार मेरे कमाई के अंदर बरकत होना शुरू हुई और फिर मेरी जो तनख्वाह थी उसी में मेरा खूबसूरत निभा होने लगा, मेरे कर्ज भी खत्म होने लगे। तो अल्लाह के नबी ने झूठी बात नहीं कही, नबी मुहतरम ने जो बात कही है वो हकीकत कही है, हकीकत रोकने कही है। अल्लाह के नबी कहते हैं सदका खैरात खूब करो, इससे माल के अंदर कमी नहीं होती, इससे माल में इजाफा होता है। वमा ज़ाद हुआ हुआ बदन बेफ में, और दरगुजर किया करो, गलतियों को माफ किया करो। कोई गाली दे दे उसे जवाबन गाली ना दो, कोई बुरा भला कह दे उसे जवाबन बुरा भला ना कहो। सब्र से काम लो और नबी मोहतरम की जिंदगी को लाओ कि नबी के ऊपर बुढ़िया कूड़े फेंका करती थी, नबी कभी जाकर के नहीं कहे अरे बुढ़िया ना फेंक, जिस दिन नहीं आया नबी पहुंच गए उसके पास आके क्या हो जाए आज कूड़े मेरे ऊपर नहीं आए। उस नबी मोहतरम जैसा सब्र पैदा करो जिस नबी मोहतरम को पत्थरों से मार करके लहूलुहान कर दिया गया, उस नबी मोहतरम से सब्र की सलाहियत सीखो मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस नबी मोहतरम के आंखों के सामने नबी की दो बेटियों को तलाक दे दिया गया, नबी मोहतरम ने क्या सब्र किया, उस सब्र को नबी की जिंदगी से सीखो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि सब्र से काम लो, दरगुजर करो, और दरगुजर करने से क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा, तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा। दुश्मन भी जिगरी दोस्त नबी के बने कि नहीं बने, क्या आज हमारे और आपके नहीं बन सकते? आज हमारा दुश्मन होता है एक गलती की वो लाखों दूर हमसे हो जाता है, करोड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है, आखिर क्या वजह है? क्योंकि हम लोगों ने दरगुजर करना खत्म कर दिया, हम लोगों के अना की बात आ गई, तकब्बुर की बात आ गई, मैं झुक नहीं सकता। अल्लाह के नबी से बड़ा कोई सुबह जमीन पर था? अल्लाह के नबी से बड़ा रुतबे वाला कोई सुबह जमीन पर था या हो सकता है? उससे बड़ा सब्र करने वाले शख्सियत कोई मिसाल दे दीजिए, कोई मिसाल दे दीजिए। आखिर उस नबी की ये तालीमात कौन अमल करने वाला, कौन अमल करेगा? हम और आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान खासदारी अख्तियार करे, तवाज़ु अख्तियार करे, अपने अंदर किब्र और गुरूर को खत्म करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के रुतबे को क़यामत के दिन बुलंद करेगा, बढ़ाएगा। और आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनहुम खुलकन, कि ईमान मुसलमान का उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है, एक मोमिन का ईमान मुकम्मल तभी होगा जब उसका अखलाक बहुत बेहतर हो, उसका अखलाक बहुत खूबसूरत हो। ये चंद बातें थी जिनको आप लोगों के सामने मैंने रखी। रब्बे कायनात से दुआ हूँ इलाल आलमीन हम तमाम लोगों को इन सारी बातों को समझने इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों में इस्लामी भाईचारे को फरोग दें। इलाल आलमीन हम तमाम लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमें अपने हम वतनों से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम फरमा रहे थे जो निहाय थी जबरदस्त अंदाज में आपके सामने इस मौजू पर जो है खिताब फरमा रहे थे, इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। मोहतरम हजरात आपके सामने दो मौजूद पर दो उलमाए किराम ने खिताब फरमाया। पहले हमारे हजरत मौलाना डॉक्टर हुसैन सफी साहब जो तरबियत औलाद पर खिताब फरमा रहे थे, और दूसरे हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल करीम सलफी साहब इस्लामिक भाईचारे पर खिताब फरमा रहे थे। अब इसके बाद में मैं अपने मोहतरम उस्ताद हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल करीम सलफी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप सिद्धार्थी कलमात में फरमाए थे, और उसके अलावा
इसके बाद उसमें इन दोनों मौजूदा से मुताबिक आपकी जहन में जो भी सवाल वो बर शेर से कर सकते हैं। وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات